भारत की आन मान शान हमारा तिरंगा, वही तो इसके ऊपर तीन रंगों का प्रयोग किया गया है, केसरिया, सफेद, हरा। वही तो सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र भी बनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है इन सारे रंगों का और अशोक चक्र का को बनाने का उद्देश्य क्या है? भाई ये हमको क्या लेसन देना चाहते हैं? सबसे ऊपर तिरंगे में केसरिया रंग की पट्टी बनी हुई है जो कि देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। वही बीच में सफेद रंग जिसके बीच में अशोक चक्र भी बना हुआ है। वही तो सफेद रंग शांति और सत्य का संकेत देती है। वही सबसे नीचे तिरंगे में हरे रंग का प्रयोग किया गया है जो कि देश की विकास और ऊर्जा को दर्शाती है। वही तिरंगे में अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियों का अपना एक अलग महत्व है। ये 24 तीलियां मनुष्य के लिए बनाई गई है जो की 24 धर्म मार्ग की तुलना करती है। वही इसके लिए इन्हें मनुष्य के लिए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। वही तो क्या आपके लिए इससे पहले ये जानकारी थी? नहीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए।